हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वेश्चन बैंक पे। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने चैनल क्वेश्चन बैंक पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि पता है आपको, रीट भर्ती 2020 का वादा जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने 1-2 साल पहले किया था, पर अभी तक कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो इस संबंध में एक न्यूज़ भी प्रकाशित हुई है, शिक्षा विभाग की टालम टोली में अंधेरे में जा रहे छात्रों का भविष्य, रीट 2020 पर संशय में सरकार। तो ये खबर जयपुर में प्रकाशित हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासर ने 2 अगस्त को घोषित विज्ञप्ति को देरी से आयोजित करवाने हेतु 2 सितंबर को हर हाल में परीक्षा आयोजित करवाने का आश्वासन दिया था। उनका कहना था कि रीट भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में रीट 2020 परीक्षा को आयोजित करवा दिया जाएगा। अब जून माह के परीक्षा संबंधी विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन देते हुए यह भी कहा कि परीक्षा आयोजन से पूर्व छात्रों को 3 महीने का समय दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी जल्दी आयोजित कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना था कि सर्वप्रथम प्राथमिकता बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करवाना है। अब बोर्ड परीक्षाएं भी आयोजित हो चुकी है, लेकिन रीट 2020 के आयोजन का अभी तक कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा। बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी 2020 के आयोजन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन विषम परिस्थितियों में रोजगार की आवश्यकता है। जो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री ने जो रीट का वादा किया था 1-2 साल पहले से, वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई, और जो अभ्यर्थी है वो लगातार इस संबंध में आपके रीट 2020 जो है उसके करवाने की मांग कर रहे हैं, पर इनकी मांग को अनसुना करा जा रहा है बार बार। तो अब तो सितंबर में इन्होंने वादा भी किया था, पर अब सितंबर में भी ये नहीं करा रहे हैं। तो अब जो अभ्यर्थी है तो उनमें काफ़ी रोष है इस बात को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।